ये सिट्रोन की C3 Aircross उनकी नई SUV made for India and designed for India. ये 5+2 configuration में आती है, 5 सीटर में, मैं 5 सीटर में बैठा हूँ, 5+2 भी आता है. ये 4 मीटर से थोड़ी बड़ी है, 4.3 मीटर्स लेंथ है और दिखने में काफी यूनिक इंटरेस्टिंग. हमेशा सिट्रो कार्स की तरह सामने आपको सिट्रो का लोगो मिलता है, पर डिजाइन वाइज एक अच्छा कॉम्बिनेशन गया है C5 और C3 के डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में. ये लॉन्च होने वाले कुछ ही टाइम में, मगर लॉन्च होगी सिर्फ एक टर्बो पेट्रोल के साथ 6-speed मैनुअल जो C3 में लॉन्च हुई थी उसके साथ वही आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. ऑटोमेटिक शायद बाद में आए एज ए टॉक कन्वर्टर, वो अभी पूरा हुआ नहीं है फाइनल. अगर मैं बात करूँगा इंटीरियर के बारे में, यहाँ पे आपको ब्राइट कलर्ड अपहोल्स्ट्री मिलता है जो ज़्यादा एरी लुक आता है, और व्हील बेस के तौर पर सिट्रो बोल रहा है इट इज़ द बेस्ट इन क्लास. तो ये है सिट्रोन की C3 Aircross एज अ फर्स्ट लुक. क्वालिटी अच्छी है, दिखने में अच्छी, बट डिपेंड करता है प्राइसिंग पे, और हाई लोकलाइजेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं सिट्रोन इसे अग्रेसिवली प्राइस करेगी. टर्बो पेट्रोल होगा, नो डीजल और मैनुअल होगा लॉन्च पे, और सिट्रो अपने डीलरशिप भी बढ़ाएगी कुछ दिनों में. तो दिखने में C3 Aircross इंटरेस्टिंग है गाड़ी है, और वो कॉम्पैक्ट SUV एक लुक दे रही है मगर 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली है. अब मैं बताता हूँ रियर सीट के बारे में. सिट्रो का दावा है कि C3 Aircross का व्हील बेस सबसे लंबा है. ये 5-seater वर्जन है, 5+2 में आपको 2 seats यहाँ पे भी मिलता है, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो बेसिकली शॉर्ट जर्नीज के लिए है. मैं रियर सीट के बारे में बात करता हूँ, काफ़ी स्पेशियस है, ठीक ठाक लेगरूम है, थोड़ा आप सेंट्रल टनल है, बट इट्स स्टिल प्रीटी डिसेंट कंफर्टेबल. 4.3 मीटर की SUV है, तो रियर सीट के तौर पर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और सीटिंग पोजिशन भी काफ़ी अच्छा है. तो सिट्रो का दावा है कि आपको एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आपको बड़ी SUV मिलता है, तो इन दैट केस द रियर सीट इज अ प्रीटी डिसेंट प्लेस टू बी. अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग C5 का कुछ एलिमेंट्स भी लिया है उन्होंने. एक टॉल रूफ लाइन है ताकि हेडरूम अच्छा हो, और मुझे टेल लैम्प का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, दिखने में काफ़ी आकर्षक है. यहाँ पे C3 बैजिंग मिलता है, इट्स वेरी नाइसली डन एज अ सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन. हमेशा सिट्रो का हमेशा एडवांटेज है, दे आर वेरी गुड लुकिंग कार्स, और टेल लैम्प का डिज़ाइन जो ओवरऑल लुक इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ, मैं कहूँगा वेरी रेडिकल. और यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर्स भी मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते, तो दिखने में काफ़ी अच्छी है. पेंट फिनिश रियल नाइस, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो डिपेंड करता है प्राइसिंग पे, दैट वी विल नो इन सम टाइम. सिट्रो इंडिया का दावा है, इसका बूट स्पेस है 511 लीटर विद थर्ड रो रिमूव्ड, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी हायर है देन मोस्ट SUVs एट 200 mm. इसका लॉन्च होने वाला है कुछ ही महीनों में जैसे हमने पहले बोला था, मगर इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग. हमेशा की तरह C3 की तरह यहाँ पे हाई लोकलाइजेशन है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि C3 Aircross एट फर्स्ट ग्लांस हमें लग रही है बजट क्रॉसओवर, दिखने में काफ़ी आकर्षक है, मगर इंटीरियर में कुछ फीचर्स मिसिंग है लाइक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल. इवन तो आपको एक पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 10 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, और सेकेंड रो में भी एयर वेंट्स आपको मिलता है. तो C3 Aircross में आपको कुछ बजट डिटेल्स मिलते हैं लाइक द पुल टाइप डोर हैंडल्स और लैक ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, मगर दिखने में बड़ी है एंड इट्स अ क्वाइट अ गुड लुकिंग SUV. तो अगर आप एक बजट कॉम्पैक्ट SUV देखना चाहते हैं स्पेस के साथ, शायद ये गाड़ी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है.